तो नेक्स्ट टॉपिक आयोनाइजेशन, एनर्जी, एंथैल्पी, पोटेंशियल, कुछ भी बोलिए सब एक ही बात है। तो आयोनाइजेशन, एनर्जी, एंथैल्पी, पोटेंशियल, किसी बुक में एनर्जी लिखा होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, किसी में लिखा होगा, किसी में आयोनाइजेशन पोटेंशियल लिखा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक ही है। ठीक है, एग्जैक्टली होता क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, व्हाट इज दिस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि कम से कम ताकत। ये पेन का ढक्कन है ना, इसको खींचने के लिए क्या चाहिए मेरे को, इतनी ताकत लगी कि तब जाके ये खुलेगा। पेन नहीं है, मार्कर है, लेकिन ठीक है, ये मेरा मार्कर का ढक्कन हो गया। अब मान लीजिए हम ले लेते हैं वाइट पेन, हालांकि ये ड्राइंग में यूज होता है, लेकिन फिर भी देखिए, अगर मैं इसको इससे खोलूँ तो आराम से खुल गया है ना, और वहीं मैं अगर इसको इससे खोलूँ तो नहीं खुलेगा। तो इसमें जो मेरी कम से कम एनर्जी लगी, इसके अंदर आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है या इसके अंदर आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, आप खुद सोचिए। इसके अंदर मेरी जो मिनिमम एनर्जी है वो क्या है, आराम से निकल गई, कम से कम लगी है। इसके अंदर जो मिनिमम एनर्जी है मेरी वो ज़्यादा हो गई, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी, कम से कम एनर्जी मेरे को ज़्यादा लगानी पड़ रही है, एनर्जी क्या है ज़्यादा लगानी पड़ रही है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है इसके अंदर ज़्यादा है और इसके अंदर क्या है कम है। हालांकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी का इन दोनों से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब ये एग्जैक्टली नहीं है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, सिर्फ इसके आगे भी है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन, थ्री इलेक्ट्रॉन, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। सिंपल वर्ड में कहूँ तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। ठीक है, कोई भी एक एटम होगा, ये मान लीजिए एटम है मेरा, अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तो भरे हुए हैं सारे के सारे, अपने घर में हंस खेल रहे हैं, खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, अब ये कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ये मेरा फिर से वही एन वाला आ गया ना, तो मान लेते ये एक इलेक्ट्रॉन है बेचारा, अकेला बाहर है, घर मान लो सिर्फ इतना है घर, ठीक है, मतलब घर की बाउंड्री के बाहर ही खेल रहा है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है बाहर है। अब क्या है, इसको बाहर भगाने के लिए सब कम से कम एनर्जी कौन सी लगेगी, सिंपल वर्ड में बोलो, और ज़्यादा सिंपल वर्ड में जाएं तो, अब जैसे ये बाहर अगर खेल रहा है तो कोई भी बच्चा आया बाहर से, बोलता है अबे यार चलना चलते हैं खेलने के लिए, है ना, तो उसने क्या है ऐसे बोला यार चल चलते हैं, ये बोलेगा हाँ चलो चलो चलो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, घर में कोई पूछ नहीं रहा, मैं तो चल दूंगा खेलने के लिए। तो उसको खींचने के लिए, एटम से बाहर निकालने के लिए, इसकी सराउंडिंग जो है घर का एनवायरनमेंट, उससे बाहर निकालने के लिए उसको एनर्जी ज़्यादा लगानी नहीं पड़ी, वो बस आया बाहर से कोई, उसने बोला अरे यार चल चलते हैं, भाई चल दिया खुश होके, तो मिनिमम एनर्जी यहाँ से लगी आराम से बाहर। तो ये मिनिमम एनर्जी जो थी ना रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, तो ये जो एनर्जी है ये कौन सी एनर्जी है, इस एनर्जी का नाम क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ फिर से, मैंने पेन का एग्जाम्पल तो आपको दे ही दिया है, फिर भी आप खुद सोचिए ज़रा। ये है मेरा एक बहुत बड़ा सा एटम, ठीक है, हो ये न्यूक्लियस मान लेते हैं, ठीक है, सर्कल को छोड़िए, इतना ध्यान नहीं देना है ना, और ये है एक एटम, ज़्यादा बड़ा नहीं है, जो कि छोटा सा है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन्स को खींचने के लिए, बाहर भगाने के लिए, किस में आराम ज़्यादा आसानी से लग जाएगी, मतलब किस में ज़्यादा होगी या किस में कम होगी, अब कुछ सोचिए। ये बहुत बड़ा आलिशान घर है, ये बहुत छोटा सा घर है, तो किसके अंदर से बच्चे आराम से किडनैप हो सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग इसके अंदर से। तो इसके अंदर जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, वो क्या है, बहुत कम लगेगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी क्या लगेगी, कम लगेगी, ध्यान देना ये बात, क्योंकि इसी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी। बहुत बड़ा सा विला है, घर है, बच्चे को आराम से किडनैप कर सकते हैं, एनर्जी लगेगी ही नहीं किडनैपर्स की, वो तो बोलेंगे ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना बड़ा घर है कौन पूछेगा उसको, कोई नहीं पूछेगा, क्यों भाई उतना है ही ना, चारों तरफ थोड़ी ना नौकर चाकर है, मान लो एक ही बंदा है घर में और बहुत बड़ा घर है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, जबकि ये छोटा सा घर है मेरा, इतना छोटा सा रूम, अब यहाँ पे आके कोई किडनैप करके दिखा दे किसी को, बिल्कुल नहीं कर सकता, सिंपल सा लॉजिक है। तो यही काम यहाँ पे भी है, अब ये छोटा सा है नॉर्मल अपना, इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको बाहर निकालने के लिए एनर्जी क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा उसको, कुछ हैक वैक करके तब जाके तो एंटर करेगा, उसके बाद पता नहीं कितनी एनर्जी उसकी लग जाएगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, यहाँ पर ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये जान लिया, ठीक है, अब इसके बाद जान लेते हैं
फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं अपने ये आयोनाइजेशन एनर्जी को। अगर ये आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो एक बार और थोड़ा पीछे जाइए डॉट 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 करके, और फिर एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा से देखिए, और फिर आते हैं यहाँ पर फैक्टर्स पे। फैक्टर में दो चीज़ें, एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर चार्ज। तो एटॉमिक साइज का तो मैंने आपको बता दिया, ये एटॉमिक साइज, इसका एटॉमिक साइज देखते हैं, इसका एटॉमिक साइज देखेंगे। दोनों का एटॉमिक साइज, इसका बड़ा है इसका छोटा है, तो इसके अंदर एनर्जेशन एंथैल्पी या फिर एनर्जी वो क्या है, कम लगेगी। किडनैप करने के लिए बच्चे को कम ताकत लगेगी, इसके अंदर ज़्यादा, छोटा है ना इसलिए। तो जब भी एनर्जेशन एंथैल्पी का या फिर एनर्जी का कॉन्सेप्ट है दिमाग में, सोचे किडनैप करना है किसी को तो बड़े घर में जाऊँ या छोटे घर में, तो बड़े घर में जाइए, हमेशा एनर्जी जो है वो कम लगेगी। एटॉमिक साइज का हो गया। अब बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज के, न्यूक्लियर चार्ज में आ जाते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को मान लीजिए पेरेंट्स हैं, ठीक है, न्यूक्लियस को मान लीजिए पेरेंट्स हैं, तो ये पेरेंट्स इस बच्चे की तरफ ज़्यादा, ये इलेक्ट्रॉन है ना, इस बच्चे की तरफ ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, या फिर ये वाले पेरेंट्स जो हैं इस बच्चे की तरफ ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। इन दोनों की जो बॉन्डिंग होगी वो तगड़ी होगी, बहुत स्पेशल होगी, क्योंकि छोटा सा घर है, जितना छोटा घर उतना आप पेरेंट्स के साथ रहते हैं, आराम से खाते पीते मस्त होकर रहते हैं, और फिर जैसे जैसे बहुत बड़ा विला हो जाता है, बहुत सारे पैसे हो जाते हैं, मूवीज में देखते हैं ना, बच्चे इधर, माँ बाप अपना अलग खा रहे हैं, बच्चे अलग खा रहे हैं, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो वाला सीन है। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो क्या है, थोड़ी सी लो है। इन दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है वो क्या है, हाई है। तो ये चीज़ आपने समझ ली। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता, बढ़ना घटना बात की बात है, न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी क्या होगी, अपनी तरफ ज़्यादा होगी। इसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, इसके अंदर भी न्यूक्लियर चार्ज मान लीजिए ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर ये साइज़ क्या, बड़ा है, दूर है, यहाँ पर क्या है, पास में है, तो ये इसको अपनी तरफ ज़्यादा खींच के रखेगा। अगर खींच के रखेगा तो इलेक्ट्रॉन को पुल करना, बाहर करना थोड़ा क्या होगा, मुश्किल होगा, हार्ड होगा। इसको इलेक्ट्रॉन को आसानी से पुल कर दिया जा सकता है, तो इसके अंदर एनर्जी क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। इसके अंदर आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुई, ज़्यादा। इसके अंदर आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुई, कम होगी, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे हम इंक्रीज करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज हम बढ़ाते जाते हैं, इसकी एनर्जी मैं इतनी बढ़ा दूं, इसकी एनर्जी, न्यूक्लियस की एनर्जी मैं इतनी ज़्यादा बढ़ा दूं, इसके अंदर मैग्नेट्स मैग्नेट्स भरते जाऊं, इतनी ज़्यादा बढ़ा दूं कि इलेक्ट्रॉन्स को खींच ले अपनी तरफ, तो क्या होगा, इन दोनों की जो बॉन्डिंग होगी वो भी बढ़ जाएगी। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाने से बॉन्डिंग क्या हुई, बढ़ गई। अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाने से बॉन्डिंग बढ़ गई, बॉन्डिंग बढ़ने से क्या होगा कि बच्चे को किडनैप करना या फिर इलेक्ट्रॉन्स को बाहर पुल आउट करना वो क्या है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। यानी कि हमें जो हम मिनिमम एनर्जी दे रहे थे उसको निकालने के लिए वो ज़्यादा लगेगी, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा लगेगी। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर हम इंक्रीज करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज अगर हम इंक्रीज करते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जबकि एटॉमिक साइज को अगर हम इंक्रीज करते हैं, एटॉमिक साइज को हम इंक्रीज करते हैं, छोटे से बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा थी, यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम थी, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो एनर्जी थी किडनैप करने वाली वो कम हो गई, आराम से निकल गया ना, वो जैसे बड़ा हुआ घर, बड़े घर में तुम शिफ्ट हुए, फटाफट किडनैप हो गया, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हुई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हुई। फिर से बोल रहा हूँ, ये चीज़ को ध्यान से समझना है, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। और ये आगे बात करते हैं, वाई इज एनी कैटायन, अच्छा ये चीज हो गई, ठीक है, अब इसको 2 मिनट डिलीट करें, इंक्रीज करें, चलिए फटाफट अलॉन्ग पीरियड और अलॉन्ग वो भी देख लें, अलॉन्ग पीरियड अलॉन्ग ग्रुप। चलिए अब तो ये आप खुद ही आंसर दे देंगे इसका, मेरे हिसाब से तो अब आप खुद ही आंसर दे देंगे, मेरे को जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे, अलॉन्ग पीरियड बात करिए, यूं साइज क्या होता है, किसी ने बोला ना सेम होता है, तो यार कोई फायदा नहीं होगा तुम्हारा पढ़ने का, बताओ, डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर साइज, ठीक है, धीरे 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 एटॉमिक साइज क्या है, डिक्रीज हो रहा है। अभी हमने पढ़े थे ना फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज, वो यहाँ पर काम आएगा, यहाँ पर एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। कैसे डिक्रीज होता है, आप जाके उधर देखिए, जब एटॉमिक रेडियस पढ़ा था उसमें ही मैंने बताया था एटॉमिक साइज का, ठीक है। तो एटॉमिक साइज क्या है, धीरे 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 कम हो रहा है, और एटॉमिक साइज कम हो रहा है का मतलब क्या है, घर मेरा छोटा
छोटा होता जा रहा है, जैसे जैसे घर छोटा हो जा रहा है, किडनैप करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो एनर्जी हमें क्या लगानी पड़ेगी, ज्यादा लगानी पड़ेगी। सोचिए, कुछ सोचते चाहिए, ये चीज दिमाग बस समझ में आना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग ये है, बस समझ में आना चाहिए। वो कैसा समझ में आया वो फर्क नहीं पड़ता, समझ लीजिए फिर उसको अपनी लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट करके केमिस्ट्री के टर्म्स में लिख दीजिए, ठीक है। तो एटॉमिक साइज क्या है, इंक्रीज। एटॉमिक साइज क्या है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर इंक्रीज नहीं, डिक्रीज। एटॉमिक साइज कम होता जा रहा है, और एटॉमिक साइज कम होने की वजह से आयोनाइजेशन एंड एनर्जी जो लगेगी वो क्या लगेगी, ज्यादा, इंक्रीज, ठीक है। अगर मैं ग्रुप वाइज बात करूँ तो क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी, क्लियर है। अब बात करते हैं दूसरा फैक्टर क्या था, जल्दी से बोले, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज देखें, न्यूक्लियर चार्ज क्या है, बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज क्या है, इंक्रीजिंग है। कैसे, कम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ज्यादा ज्यादा प्रोटॉन, ज्यादा प्रोटॉन, ज्यादा प्रोटॉन, ज्यादा प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं ना, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी मेरी बढ़ेगी। तो अब देखिए आप, दोनों में आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, मतलब सिंपल वर्ड में ये है कि अलॉन्ग द पीरियड आयोनाइजेशन एंथैल्पी मेरी बढ़ेगी ही, ठीक है। ऐसी इसमें भी अगर मैं बात करूँ तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, साइज मेरा बहुत ही बड़ा है, शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं। अब ये सोचिए, ये है, ये है, तो आराम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऐसे चुटकी बजाते इतना आराम से निकल जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी 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 कितनी लगी, बहुत कम लगी, हद से ज्यादा कम लगी, तो डिक्रीज हुई एनर्जी। जैसे जैसे हम नीचे, आयनाइजेशन एनर्जी हमें कितनी चाहिए, कम से कम चाहिए, नीचे जाते जा रहे हमें एनर्जी कम चाहिए, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी यहाँ पे, डिक्रीज। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप चाहें तो, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो मैं बढ़ाता जाऊंगा नीचे जाते जाते, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पर फिर से डिक्रीज होगी, ठीक है। क्वेश्चन है इसमें, व्हाई इज कैटायन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे कैटायन बोलते हैं, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसे एनायन बोलते हैं। व्हाई इज एन पॉजिटिव स्मॉलर देन द पेरेंट एटम, ये पेरेंट एटम क्या है, क्वेश्चन ही आता है ना। पेरेंट एटम क्या है, पेरेंट एटम वो एटम है जो ये कैटायन का असली रूप है, यानी कि जब इस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं था, जो ओरिजिनल वाला था एटम, वो पेरेंट एटम है विदाउट एनी चार्ज। तो पेरेंट एटम क्या होगा, एन ए। तो ये बोल रहा है कि वाई इज दैट स्मॉलर देन, तो ये छोटा क्यों होता है एन ए प्लस और एन ए से, या फिर क्वेश्चन आपको क्या पूछेंगे, विच इज बिगर, एन ए और एन ए प्लस, क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ सकता है। तो लॉजिक समझ लीजिए, बात खत्म। ये देखिए, इमेजिन करिए, ये एन ए प्लस है, ये एन ए है, वैसे तो मैं बना ही रहा हूँ, इमेजिन क्यों करना है, लेकिन फिर भी दिमाग में इमेजिन करिए। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर, ये अगर मेरा पूरा एटम है, ठीक है ना, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज की मात्रा ज़्यादा हो जाना। पॉजिटिव चार्ज कहाँ होते हैं, प्रोटॉन्स में, तो प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज मेरे क्या हैं, ज़्यादा हो गए, और इलेक्ट्रॉन्स क्या कम हो गए, है ना, एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज डाल दिया, इसका मतलब यही हुआ ना। तो एन ए में अब मैं बात करता हूँ, कहाँ गए मेरे दोस्त, ये देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ लिख लीजिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन ए प्लस, यहाँ पे लिखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन ए। चलिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताइए, कौन बताएगा, मैं ही बताऊंगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, यहाँ पर है 12, यहाँ पर है 11, ऐसा क्यों, देखिए एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, जो कि बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है। एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज वेल, ओके। देन अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पर ज्यादा क्यों है, क्योंकि एटॉमिक नंबर एन ए का क्या होता है, 11 होता है। अब इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया, तो 11 से ये 11 हो गया, 12 हो गया। जबकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूँ इन एन ए प्लस में, इलेक्ट्रॉन्स तो मेरा ऐड नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन्स तो ऐड नहीं हुआ ना, तो जितने पहले थे उतने अभी भी होंगे, तो पहले कितने थे, एटॉमिक नंबर 11 था, ये भी 11 होगा, ये भी 11 होगा एन ए में, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 11, ठीक है। और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखे तो कितने हैं, वो भी 11। इन दोनों में अब आप ये देखिए, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, मेरे को नहीं लगता। प्रोटॉन की मात्रा ज्यादा है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज अगर मेरा ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को श्रिंक कर लेगा, अपनी तरफ अटैक करेगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को, एटॉमिक साइज को, सॉरी, श्रिंक करेगा, एटॉमिक साइज क्या होगा उसका, कम हो जाएगा।
ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स के थोड़े से पास आ जाएंगे, तो इसका जो एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, जबकि इसका जो एटॉमिक रेडियस जो है जो था वही रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, तो पहले तो ये देख लेते हैं एफिनिटी का मतलब क्या है। एफिनिटी का मतलब होता है लवर या लविंग नेचर या लव, कुछ भी कह सकते हैं, जो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन पोटेंशियल बोल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ भी बोल सकते हैं बेसिकली। अब आपकी बुक में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही बोलिए। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंटर्स, क्या होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऐसा सोचते हैं, सोचते क्या हैं, एग्जांपल सोच देखते हैं सीधे। मान लीजिए ये एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन है जो बाहर घूम रहे हैं, घूम तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहे हैं, न्यूट्रॉन रहे, प्रोटॉन रहे, एटम घूम रहे हैं। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है ज़बरदस्ती एंटर करने की कोशिश कर रहा है इस एटम में, ऑलरेडी एटम जो है वो अपने स्टेट में मतलब कोशिश कर रहा है, मान लीजिए क्लोरीन हो गया जैसे, या फ्लोरीन हो गया, या ब्रोमीन हो गया, ठीक है, कोई भी ऐसे एटम हो, फर्क नहीं पड़ रहा, 17 हेलोजन ग्रुप कोई स्पेसिफिक नहीं है। अब ये एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा ना, अब कोई भी चीज़ एंटर करेगी तो क्या होगा, ये ना कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज करेगा, क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। अब यही यहाँ पे जो मेन फंडा है एनर्जी रिलीज का, ठीक है। तो जब भी कोई एटम एंटर करता है किसी एटम के अंदर, मैंने एटम बोला इलेक्ट्रॉन बोला, ठीक है दोबारा बोल देता हूँ, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर एंटर करता है तो वो एटम कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है, वो एलिमेंट कह सकते हैं, या फिर वो एनर्जी क्या करेगा, कुछ रिलीज करेगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के एटम के अंदर जैसे कोई एंटर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो कुछ एनर्जी जो रिलीज हो रही है ना, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या इलेक्ट्रॉन की एक तरह से एनर्जी जो रिलीज हुई है, ठीक है। तो ये तो था हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का फंडा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग के बारे में, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करते हैं, खुल जाए यार। पहला कौन सा होता है हमेशा की तरह, एटॉमिक साइज, चलिए एटॉमिक साइज के बारे में बात करेंगे। सेकेंड कौन सा होता है, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है न्यूक्लियर चार्ज होता है। एटॉमिक साइज के लिए एक बड़ा एटम बनाएंगे, एक छोटा एटम बनाएंगे, ये न्यूक्लियस बना दिया, ये न्यूक्लियस बना दिया। अब आप खुद सोचिए, ठीक है, ये के शेल, ये एल शेल, ये मेरा सिर्फ के और एल वाला है छोटा एटम, ठीक है। तो आपको ये मान लीजिए ये मेरा पेरेंट्स है, और ये मेरा यहाँ पे भी क्या है, पेरेंट्स है, न्यूक्लियस वाला जिसके अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव भरे हुआ है। इसकी जो टेंडेंसी है ना एटम्स को अट्रैक्ट करके रखने की, वो थोड़ी सी मतलब कम है, क्योंकि बहुत बड़ा घर है, विला टाइप का घर है। आप सोचिए इतना बड़ा घर है, अब घर बार में क्या होता है, अगर मेरा छोटा सा रूम है तो छोटे से रूम में क्या है, ये पेरेंट्स जो है बच्चों को आवाज़ देंगे तो आराम से बच्चे आ जाएंगे, और क्या होगा, थोड़ी सी आवाज़ जो है कमरे के बाहर भी चली जाएगी आराम से, है ना। तो वहाँ से एंटर करना थोड़ा सा क्या होगा, इस घर के अंदर एंटर करना क्या होगा, मुश्किल होगा, क्योंकि अगर गलती से भी कोई इंसान यहाँ पर एंटर करेगा तो मान लीजिए ये घर जो है छोटा सा है ना, मान लीजिए पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, किससे भरा है, अट्रैक्टिव फोर्स से भरा है, किसके अट्रैक्टिव फोर्स, न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स टूवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सारा अट्रैक्टिव फोर्स से भरा हुआ है। अब जैसे कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज़बरदस्ती एंटर करेगा, सोचेगा मैं एंटर कर जाऊँ, तो क्या होगा, एक बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, होगी कि नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंटर किया, यहाँ पर जगह तो है ही नहीं, लेकिन ये एटम बोल रहा है जगह नहीं है, इलेक्ट्रॉन बोल रहा है जगह है, जगह है, और वहीं पर वो गड़बड़ हो जा रही है। अब ये बोल रहा है जगह नहीं है, ये बोल रहा है जगह है, लेकिन ज़बरदस्ती घुसेगा तो यहाँ से बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, तो जो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, मोर होगी छोटे से एटम में, जबकि बड़े एटम में क्या होगा, यहाँ जगह ही जगह है, बहुत ज़्यादा जगह है, इलेक्ट्रॉन अगर हल्का सा घुस भी गया तो इसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये बहुत कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा, मतलब जितना बड़ा एटम उतनी कम अमाउंट में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, लेस होगी जहाँ बड़ा एटम होगा। अब न्यूक्लियर चार्ज की बात कर लेते हैं, ये मेरा एटम, ये मेरा न्यूक्लियस। अब जरा आप सोचिए, न्यूक्लियर चार्ज को मैं घटा देता हूँ, न्यूक्लियर चार्ज मैंने क्या किया, घटा दिया, न्यूक्लियर चार्ज कम होने से क्या होगा, जो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और न्यूक्लियर चार्ज को वहीं मैं बढ़ा देता हूँ तो इलेक्ट्रॉन को ये बहुत ही आसानी से अपनी तरफ खींच पाएगा। तो अब आप देखिए, सोचिए
जब न्यूक्लियर चार्ज मेरा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होने का क्या मतलब है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चलो बाद में बात करते हैं, पहले न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने से क्या होगा, ये अपनी तरफ सबको खींच के रखेगा। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा मतलब पेरेंट्स की पावर, तुम्हारे माता पिता के जो पेरेंट्स की पावर है वो क्या है, ज़्यादा है, तो कोई भी आसानी से घर में नहीं घुस सकता। अगर कोई ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करेगा, मान लीजिए इसकी ज़्यादा पावर है ना, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन अब एंटर करने की कोशिश कर रहा है, क्या होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है, इसने अपनी तरफ सबको एक साथ इकट्ठा कर रखा है, यहाँ जगह ही नहीं है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से जगह नहीं बची, तो इलेक्ट्रॉन एंटर करने से ज़्यादा एनर्जी में रिलीज हो रही है, यानी कि अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, मोर होगी, और न्यूक्लियर चार्ज अगर कम होगा तो जगह ही जगह होगी भाई। अब ये बोलेगा जाओ जिसको जाना जाना है, बहुत बच्चों को भगा देंगे पेरेंट्स, बोलेंगे मेरे अंदर तो ताकत नहीं है, बच्चे कहीं भी घूमने चले जाएंगे, उनका घर क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, खाली होने से इलेक्ट्रॉन कोई भी बाहर के मेहमान आएगा वो यहाँ पे बैठ जाएगा, एनर्जी जो रिलीज होगी वो क्या होगी, कम होगी, तो लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पीरियड की, पीरियड में साइज पे आइए, साइज क्या होता है पीरियड में, ऐसे जब हम जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बराबर होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बराबर होते हैं, बट जो साइज है हमारा वो डिक्रीज करता है धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा कम होता है, साइज जो है वो क्या करता है, डिक्रीज होता है, और साइज कम होने से क्या होगा, जो पावर होगी पेरेंट्स की वो ज़्यादा हो जाएगी, वो ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे, पेरेंट्स जो है वो ज़्यादा क्या हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे, और जब ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे पेरेंट्स तो कोई भी अगर एंटर करेगा तो एनर्जी भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होगी। जो पेरेंट्स जो हैं जब उनके पास ज़्यादा पावर होगी तो क्या होगा, कोई भी अगर बाहर से आएगा तो उसके ऊपर गुस्सा होने की जो पावर है वो ज़्यादा हो जाएगी। अब गुस्सा इसलिए होंगे क्योंकि ऐसा कैसे बाहर से कोई भी अंदर घुस जाएगा, वो वाला सीन लेके चल रहे हैं। तो साइज छोटा होने का मतलब, इसका मतलब क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन मेरी एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब हम यहाँ ऐसे जा रहे हैं राइट साइड में अपने जा रहे हैं ना, तो साइज छोटा हो जा रहा है, तो यहाँ पर क्या थी, लेस थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एनर्जी कम रिलीज हो रही थी, यहाँ पर क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ये क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। मीनवाइल अगर मैं बात करता हूँ मैं ग्रुप में देखिए साइज कैसे बढ़ता है, यहाँ बढ़ता है, साइज बढ़ता है, यहाँ पहचानना तो आसान है, साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, साइज जहाँ पर कम है वहाँ पर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और जहाँ पर कम है वहाँ पे लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि डिक्रीज इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, चाहे आप साइज के थ्रू देखिए, चाहे आप न्यूक्लियर चार्ज के थ्रू देखिए, जैसे आपको देखना है वैसे देखिए, दोनों एक ही तरीके हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कोर्स हो गया, ग्रुप और ये बता दिया। अच्छा एक चीज़ और है, पॉइंट है कुछ, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है। अब ज़ीरो क्यों होती है, क्यों, क्योंकि वो एनर्जी रिलीज ही नहीं करते। अब क्वेश्चन आते हैं रिलीज क्यों नहीं करते, एनर्जी रिलीज इसलिए नहीं करते भैया जी क्योंकि ये मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरा एटम है, वो क्या है, नोबल गैस है। नोबल गैस मतलब एक नोबल परिवार, ठीक है, नोबल पेरेंट्स, नोबल बच्चे, ना किसी को आने दे रहे हैं बच्चे घर के अंदर, ना पेरेंट्स आने दे रहे हैं, पेरेंट्स ने अपने बच्चों को कंट्रोल में रखा हुआ है, एकदम शांतिपूर्वक वाला माहौल है, ठीक है। मतलब इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आठ के आठ होते हैं ना, पूरे के पूरे, मतलब फुलफिल होता है, ना इनको किसी से लेने की जरूरत, ना किसी को देने की जरूरत। तो जब ना ये ले रहे हैं ना ये दे रहे हैं, तो इनके अंदर से ना तो एनर्जी जाएगी ना एनर्जी आएगी, जैसे मैंने बताया ना नोबल गैस क्या है, एग्जैक्टली एकदम की जो एनर्जी है वो क्या होती है, हमेशा खुश रहते हैं अपने आप से, है ना। तो वही वाला सीन है इनका, नोबल गैसेस का भी, इनको ना एनर्जी किसी से लेनी ना एनर्जी बाहर देनी, तो ये इनके साथ, इसलिए इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या होगी, ज़ीरो। सेकंड यहाँ पर बात कही गई है फ्लोरीन के बारे में, फ्लोरीन के बारे में तो फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो फ्लोरीन से ज़्यादा है। देखिए ये हैलोजन ग्रुप होता है, फ्लोरीन यहाँ होता है, क्लोरीन यहाँ होता है, ब्रोमीन यहाँ होता है, और फिर डॉट 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 एग्जांपल, और मान लीजिए यहाँ पर ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ पर नोबल गैसेस वाला परिवार होता है ना, तो फिर यहाँ पर भी कुछ होते हैं पार्टिकल्स। ये मेरा बनाने को हल्का सा डायग्राम बना दिया पीरियोडिक टेबल का, बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ फ्लोरीन और क्लोरीन में। देखिए साइज यहाँ पर फ्लोरीन का छोटा, क्लोरीन का बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर इनसे बड़े बड़े, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, मतलब ऐसे डिक्रीज होता है और ऐसे डिक्रीज होता है। यहाँ पर मेरे को क्या दिखा है, फ्लोरीन का जो साइज़ है वो क्या है, बहुत छोटा है, और फिर उससे बड़ा क्लोरीन का। हमने क्या सीखा है, जो
सबसे छोटा है वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, यानी उसकी क्या होगी, मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होना चाहिए ये, तो है ना, मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होना चाहिए। फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए, लेकिन क्लोरीन जो है वो भले सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, लेकिन क्लोरीन जो है वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है एज कंपेयर टू द क्लोरीन। ऐसा क्यों होता है, तो ये भी देख लेते हैं, क्योंकि ना क्लोरीन का क्या होता है, साइज छोटा होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, हद से ज्यादा छोटा होता है। ये मेरा फ्लोरीन है, ठीक है, इसके पास तो कितने इलेक्ट्रॉन होते ही हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, यानी 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल इसके पास, ठीक है। तो क्या होता है ना, 9 इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं। अब छोटा सा है, छोटे छोटे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पास होंगे, अब कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर से आसानी से एंटर कर ही नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज तो इसका ज़्यादा है, मानता हूँ मैं ये बात, मैं मानूंगा कि छोटा सा घर है तो पेरेंट्स की वो जो ताकत होगी वो ज़्यादा होगी इसमें, बट न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही कोई बाहर से अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, तो इसके यहाँ पर देखिए, ये मेरा अगर बाहर का इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर देना, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, छोटा सा तो घर है, सारे क्या होंगे इलेक्ट्रॉन, पास पास ही तो होंगे ना, ज़्यादा दूर तो हो नहीं सकते, ठीक है। अब यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से एंटर करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये इसको न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये सब इसके ऊपर ऐसा प्रभाव डालेंगे कि ये बेचारा अंदर घुस ही नहीं पाएगा। ये वाले इलेक्ट्रॉन कुत्ते की तरह हो गए, बस भौंकते रहेंगे बेचारा, वो वैसे ही डर के भाग जाएगा दूर, है ना। तो यही चीज़ है, छोटे से घर में या छोटे से एटम में फ्लोरीन का साइज इतना छोटा होता है कि जो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को वहीं से दूर कर देते हैं, इसलिए ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं कर पाता। जबकि जो क्लोरीन है, जैसे हम क्लोरीन के पास जाते हैं, फ्लोरीन से क्लोरीन पर, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है वहाँ पर साइज, तो इलेक्ट्रॉन थोड़े से दूर दूर होते हैं, तो वहाँ पर जो पावर लगती है वो मान लेते हैं कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की लग रही है, पहले 4 की लग रही थी ना, अब 2 की लग रही है, तो ये थोड़ा सा एंटर धीरे धीरे जैसे तैसे बोल देता है, हाँ जगह है जगह है, जबरदस्ती घुस जाता है उसके अंदर, एटम के अंदर, क्योंकि इसकी पावर जो है इन सबसे ज़्यादा है। अब इस बंदे ने सोचो 8-8 इलेक्ट्रॉन को संभाल रखा है, 7-7 इलेक्ट्रॉन को संभाल रखा है, और ये तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन को कैसे रोक लेंगे, वो वाला सीन हो गया ना। जबकि उस वक्त क्या था, छोटे से साइज जब फ्लोरीन का था, तो पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन उसको धकेलने को, अरे तू जा, मैं नहीं देख लूँगा न्यूक्लियस को, जो भी होगा देखा जाएगा, वो वाला सीन था। तो यही दोनों पॉइंट्स थे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगले